नमस्ते गाइस, आज मैं कटहल की सब्जी का रेसिपी लेके आई हूँ। ये पहले अभी सीजन का पहला सब्जी है कटहल का, और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मेरा तरीका से बनाऊँगी, बिल्कुल ऑयल कम, ऑयल मसाला कम दे के बनाऊँगी। देखिए ये कटहल है, छोटा साइज का है, इससे आप छिलका निकाल लूँगे इसका। देखिए ये छिलका निकाल रहा है, मेरा हस्बैंड निकाल दे रहा है, तो ये बढ़िया से इस तरीके से पहले छिलका निकाल रहा है। देखिए निकल गया, और इसे धो के लाया है पानी में, तो देखिए बिल्कुल कुछ मतलब आठा नहीं है इसका, जो चोप होता है वो नहीं है। तो अब इसे छोटे छोटे करके काट लेगा इसे छोटा छोटा करके। देखिए देखिए बिल्कुल छोटा छोटा करके काट दिया है इसे। अब इसे मैं बॉईल करूँगी कुकर में, तो इसमें बॉईल करूँगी, तीन हुसल लगाऊँगी बॉईल करने के लिए, तीन हुसल ही सिर्फ लगाऊँगी। और कटहल का सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग को कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी इसमें मैं थोड़ी हल्दी और नमक थोड़ी डाल के इसे मैं बॉईल करूँगी पानी डाल के, और साथ में मैं इसी में थोड़ी नमक भी डाल रही हूँ। तो अब इसमें पानी डाल के मैं बॉईल करूँगी। देखिए पानी भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, इतना ही डाली हूँ, और थोड़ी डालूँगी। और देखिए इतना डाल दिया है, और अब इसका मैं ढक्कन लगा के तीन हुसल मराऊंगी। देखिए बॉईल हो चुका है ये, अब इसमें से पानी छान के मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए मैंने निकाल लिया है सारा, और देखिए कितना बढ़िया से ये गल चुका है। आप चले बनाने के लिए थोड़ी मसाला रेडी करती हूँ। ये गरम मसाला है, देखिए दालचीनी, लौंग, इलायची सब कुछ है, देख लिया आप लोगों ने। देखिए तो ये थोड़ी लहसुन ली हूँ, और एक प्याज को मैंने छोटे छोटे करके काट लिया है। देखिए लहसुन और गरम मसाला को मैं पीस लूँगी। देखिए लहसुन को मैंने पीस लिया है, और गरम मसाला को भी पीस लिया है। अब चले बनाते हैं। बनाने के लिए इसमें मैंने तीन चम्मच ऑयल डाली हूँ, और इसमें जीरा और सूखी लाल मिर्च डाल दिया मैंने ऑयल में, और अब डालूंगी प्याज। प्याज को मैं भून लूंगी अच्छे से सॉफ्ट होने तक। अब मैं इसी में डालूंगी लहसुन जो मैंने पीस के रखी थी, इसे भी भून लेती हूँ इसी में। देखिए अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर, दो बड़े साइज़ का टमाटर है, और चेरी टमाटर, पाँच छः छोटे वाले चेरी टमाटर है। इसे मैं अच्छे से पकाऊंगी सॉफ्ट होने तक। तो इसमें नमक डाल रही हूँ थोड़ी मैं अब, और अब इसे मैं अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकने के लिए देती हूँ टमाटर को।
देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अब कुछ मसाले डालूंगी इसमें। देखिए ये हल्दी पाउडर, ये जीरा पाउडर है 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, थोड़ी काली मिर्च और तीखी लाल मिर्च है 1/2 चम्मच। तो अब इसे मैं अच्छे से भूनूंगी मसाले को। मसाले को पकने के लिए मैंने थोड़ी और पानी ऐड कर दिया इसमें और अच्छे से पकने देती हूँ। और थोड़ी पानी ऐड करके अब इसे मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए। देखिए मसाले अच्छे से भून चुका है, बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है टमाटो भी और मसाला भी खुशबू छोड़ रहा है, तो अच्छे से ये भून चुका है। देखिए अब डाल रही हूँ कटहल को, तो इसे डाल के मैं अच्छे से मसाले में मिलाऊंगी चला के। ढक के पकाऊंगी अभी 2-3 मिनट, चेक करती हूँ अभी। और अब इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, 1 चम्मच मैंने डाल दिया छोटे चम्मच का। देखिए और अब थोड़ी पानी ऐड कर दिया मैंने इसमें। और अब इसे ढक के मैं 5 से 7 मिनट पकाऊंगी। चलिए अब चेक करते हैं। और पानी ऐड कर दिया मैंने इसमें। एक तेजपत्ता मैंने इसमें डाल दिया अभी। और अब डाल रही हूँ पिसी हुई गरम मसाला इसमें।
अब ये बन के रेडी है, देखिए बहुत ही अच्छा बना है देखने में। और आप लोग को कैसा लगा ये रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई मेरा चैनल में नया आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आगे आगे अच्छे अच्छे रेसिपी लेके आऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।